हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. ओके, आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग ब्रेक हम फिर से वापस आए हैं विदाउट एनी कंटेंट. मतलब मैं ऑलवेज कंटेंटलेस होती हूँ. जब भी वीडियो बनाती हूँ एवरी डे ना, मैं डायरी पे लिखती हूँ कि मैं ये बनाऊंगी, ये इस पे कंटेंट, इस पे. जब मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे होते हैं ना, कॉन्ट्रोवर्सीज, तब मैं सोई हुई होती. जब खत्म हो जाते हैं ना, उठ के आ जाती हूँ मैं. तो महीने पहले मैंने शॉर्ट वीडियोस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट. मेरे लॉन्ग वीडियोस में अच्छे व्यूज नहीं आ रहे, कैसे लोगों तक रीच करें. सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगा कि शॉर्ट्स डालना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स. मैंने एक दो वीडियोस डाली जो बहुत अच्छा उसके पे रिस्पॉन्स मिला. टॉपिक मैंने उठाया था शहनाज गिल का, जिसमें लिटरली मैंने उसमें ये टॉपिक कवर किया था कि लाइक हाउ शी इज डूइंग ओवर एक्टिंग एंड शी नीड टू ग्रो अप एज एन आर्टिस्ट. मेरे कॉमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा मतलब 50-50 ही चला. मतलब जिसमें ज़्यादा लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा लोग एग्री नहीं भी कर रहे थे. आज का बेसिकली वीडियो होने वाला है उन्हीं के ऊपर. सो लेट मी शो यू द वीडियो फर्स्ट. हो रहा था जिसमें शाहिद कपूर शहनाज से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा, तेरे और तेरे भाई में कितना डिफरेंस है. तो यार ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे भी मेरे भाई के साथ में पता होता है कि भैया 2-3 साल का फर्क है हमारे बीच में. और वो ये क्या है, लाइक शी जस्ट ट्राई टू एनेक्ट सो डम्ब. उसको लगता है कि डम्ब एक्ट करके वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगी, जैसे वो बिग बॉस में करती थी. शहनाज, यू हैव टू ग्रो अप. और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग उसे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं. आई विल शो यू दैट टू, वेट. ऐसे बहुत आप चैनल ग्रो करो, वो बहुत ग्रो कर चुकी है एज एन आर्टिस्ट. वायरल के साथ शूट, बैक टू बैक मूवी. जो भी ये SSC UPSC पता नहीं कौन है ये बंदा, इसने जो कमेंट किया है, मैंने उस वीडियो में कुछ भी नहीं ऐसा बोला कि भाई वो बंदी ग्रो नहीं कर रही है या कुछ भी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट शिट जो वो इंटरव्यू में कर रही है. भाई आई एम जस्ट सेइंग कि एज एन आर्टिस्ट शी नीड टू बी ग्रो अप. लाइक बहुत सारे आर्टिस्ट है जो अच्छे से इंटरव्यूज लेते हैं, सो अगर उसके पास अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, सो उसको और इम्प्रूव करके अच्छी चीजें करनी चाहिए. घर में किस कर रहे हो तुम्हें बड़ा प्रोमो में एक ही चीज नजर आई है तुम्हें शरार. आपको नहीं याद, आपने तो फील किया होगा. फील नहीं करता मैं, ना कि इरिटेट करना चाहिए लोगों को. सो दैट्स व्हाट आई वाज पॉइंटिंग आउट. कुछ भी कह लो, अच्छी, बहुत अच्छी है शहनाज, प्योर हर्ट है उसके पास. सो शट अप हेटर्स, प्योर हर्ट. हाँ भाई, तुम्हारी शहनाज ही प्योर हर्ट, क्वीट, इंटोसेंट है. दीदी पहले बिग बॉस जाओ, फिर समझाओगे शहनाज क्या है. भाई बिग बॉस जैसे नल्ले शो में मुझे जाना ही नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट लाइक एल्विश यादव कि भाई पहले बकवास करो और फिर बाद में उसी शो में पहुंच जाओ. हू डू दिस डूड. के जो फैंस हैं, इन लोगों ने मेरे कमेंट सेक्शन में एक ही जैसे कमेंट की, तो अपना कंटेंट बना, अपना खुद का कर. भाई खुद का ही तो कर रही हूँ, खुद के फोन से बना रही, खुद का मेरा माइक है, खुद एडिटिंग कर रही हूँ मैं, खुद का ही तो कंटेंट है ये. किसने बोला कि मैं खुद का काम खुद नहीं कर रही हूँ. ठीक है, एक टॉपिक उठा लिया मैंने तो मैं नहीं उठा सकती क्या? बस ठीक है, मैं चुगलियां करके मैं बना रही हूँ, तो क्या दिक्कत है उसमें? तुम्हें क्या दिक्कत है? डिसलाइक मार के भाग जा सालो. और क्या, एक बंदी ने तो ये तक लिख दिया मैं उसकी PR हूँ, तेरा चैनल डिलीट करा दूंगी. भाई 3 महीने हो गया मेरा चैनल डिलीट ही नहीं हुआ अभी तक. ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई वॉन्ट टू से 3 things. नंबर 1 थिंग, कि ऑब्सेस्ड फैन मत बनो किसी के, जस्ट बी अ सेंसिबल फैन जो दूसरे का ओपिनियन भी सुन सकता है, और अगर आप एग्री नहीं करते हो कमेंट इट, बट सेंसिबल कमेंट करो. ओके, सेंसलेस बात, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कुछ भी करे वो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उल्टा गालियां ही खा रही है अपने कमेंट सेक्शन में वो बैठ के. उसकी PR टीम ने बहुत अच्छे से उसकी एक इमेज बना रखी है, वही तो वही वो लोग यूज कर रहे हैं. शी इज नॉट दैट डम्ब गाइज. उसके दूसरे इंटरव्यूज भी देखे हैं मैंने, शी इज सो मैच्योर एंड सेंसिबल पर्सन, बट वो उसमें वो वैसे एनेक्ट करती है. मतलब मैंने कितने लोग देखे हैं स्टार्स के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं. प्रेस करो, इट्स फाइन, इतना पागल मत हो कि भाई तुम ऊपर चढ़ चढ़ के तुम लिटरली पागल होए जा रहे हो. वो इंसान ही है, वो एलियन नहीं है कि तुम जितना बोलोगे एकदम यूनिक से समझ के तुम उसका फोटो क्लिक करा रहे हो. भाई सेंस है इस बात की? मेरे को नहीं लगती कसम से. मतलब मेरी जैसी बंदी अब ऐसी हो चुकी हूँ ना मैम, अगर सामने से कोई बहुत बड़ा स्टार भी जा रहा होगा मैं तभी भी ना जाऊँ. आई एम नॉट इन टू दैट शिट कि भाई मैं जाके मैं भाग के मैं उसका फोटो खिंचाऊंगी और इतनी भीड़ भड़ाक में, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड. हमारा सो कॉल्ड फेमस स्टार होगा ना, तुम उसको मैसेज करोगे ऑन इंस्टाग्राम,
कि भाई मेरे को इतना करोड़ पैसा दे दे यार, मेरे को जरूरत है, कोई नहीं निकाल के देगा. बात अलग है, वो सोनू सूद जो हेल्पफुल लोग होते हैं उन्हीं की हेल्प करते हैं, लाइक ही इज़ नाइस. बट ऐसे ही रैंडमली जाके मांग लो कि भाई मैंने इसमें जुए में पैसे हार गया, मैं क्या कि मैं ट्रेडिंग में पैसे हार गया, दे दे यार पैसे, तेरा बहुत लगड़ा वाला फैन हूँ. देगा कोई? कोई भी नहीं देगा. सो वाई आर यू गाइस सो ऑब्सेस्ड विद पीपल, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड दिस शिट. तो मुझे नहीं समझ में आती हैं चीज़ें. अब इसके पीछे भी बहुत सारे लोग मुझे गालियाँ देंगे, आई नो दैट, और मुझे बहुत सारी एंगेजमेंट भी मिलेगी. सो गाइस सी यू नेक्स्ट वीक. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ग्रो कर रही हूँ. मेरे हो चुके हैं 475 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम होपिंग इट कि जल्द ही मेरे 500 क्रॉस हो जाएं. तो 500 जब भी हो जाएंगे तब मैं कुछ स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, एक काफ़ी अच्छा वाला. ठीक है, सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक.